इंदौर के भंवर कुआं थाना क्षेत्र में पीएससी छात्र के साथ मोबाइल लूट करने वाले दो आरोपी को क्राइम ब्रांच पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपियों के कब्जे से पुलिस को अब तक 16 मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपियों द्वारा शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र से कई लूट की वारदात की जानकारी भी पुलिस को मिल सकती है। आरोपी के साथ एक नाबालिग भी गिरफ्तार हुआ है जो कि इन लूट की वारदात में उनके साथ शामिल था। कुछ छात्रों के साथ मोबाइल लूट की वारदात हुई थी, कितने आरोपी भी पकड़ा है और उनसे कितने मोबाइल बरामद हुए हैं? तीन आरोपी पकड़ाए गए हैं। उसमें थाना क्षेत्र की विभिन्न मोबाइलों में तीन मोबाइल जो लूट की घटना हुई थी वो उनसे मोबाइल मिले हैं। अन्य थानों के भी मोबाइल छतरीपुरा और एरोडम के मोबाइल मिले हैं। टोटल पहले 11 मोबाइल इनसे बरामद किए गए थे, कल इनसे 5 मोबाइल और बरामद किए गए हैं। जो एक घटना हुई थी 27 तारीख को, उसमें एक आरोपी अभी फरार है और बाकी के 2 अरेस्ट हो चुके हैं। सर, ये मोबाइल किस तरह से अब आप शिकार बनाते थे लड़कियों को, या कुछ रेकी करते थे, या बस रास्ते चलते वारदात को अंजाम? नहीं, जो रास्ते में जो भी मोबाइल चलाते हुए मिल जाता था आसानी से, उसको ये खींच के निकल जाते थे। ये नशा करते हैं और इस कारण से मोबाइलों को खींच रहे थे। तो शहर के बाहर फरार होते थे या फिर शहर में ही रह के? नहीं, शहर में ही रह के अपना मोबाइल स्नैचिंग कार्रवाई कर रहे थे। कुछ रिकॉर्ड है सर? इसमें एक का अपराध है, एक और बाकी के अन्य के अपराध नहीं। क्या कोई वारदात हुई इनमें? हाँ, लगा मतलब पांच लूट किए तो बरामद हो चुके हैं, और अन्य जो 16 मोबाइल जब्त हुए उसमें भी पता किया जा रहा है कि ये मोबाइल इनके द्वारा कहाँ से लूटे गए। सर, ये चोरी करके मोबाइल किसको बेचते थे, पता है? वो अभी तस्दीक की जा रही है कि मोबाइल किसके यहाँ अगर बेचने के फिराक में थे तो कहाँ बेच रहे थे, उसकी विवेचना की जा रही है। सर, मामले को शॉर्ट आउट करने में माना जा सकता है कि शहर में लगी किसी के लिए सीसीटीवी से मदद मिली है? नहीं, बिल्कुल, मैं सीसीटीवी तो बहुत उपयोगी हर मामले में हो रहे हैं।